नंदा जयकारे नंदा जयकारे। तो जितने भी गाना में जो चीज बताया गया है आज वो सारे चीज नंदा गया है। आजकल के यूथ को पता भी नहीं है। अभी के बच्ची को अगर पूछ लो कि कसेली और नोई किसे कहता है तो वो नहीं बता पाएगा। देश विदेश में भी इसका नाम हो रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म जो बहुत से हमारे प्रदेश में रिलीज किया गया है, लोग देख रहे हैं, अच्छा सराहा रहे हैं। बनते तक के तो हमें ये नहीं था कि ये फिल्म इस लेवल तक के पहुंच पाएगा, लेकिन ये एक हमारी सबकी मेहनत है कि हाँ बोलने में बहुत बड़ी चुनौती रहा है। राष्ट्रीय अवार्ड मूवी भूलन द मेज आपने जरूर देखी होगी, उसमें भगला नाम के व्यक्ति रहते हैं। आज हम उससे बात करेंगे कि इस मूवी में कितना चुनौती रहा, कैसे कितना चुनौती रहा इस मूवी में। आपका मेन डायलॉग है हाउ, हाउ से ही अपन चालू करते हैं कि मूवी में कितना चुनौती रहा काम करने। हाउ ये चुनौती रहा है कि हाउ बोलने में बहुत बड़ी चुनौती रहा है। इसको बहुत मेहनत करना पड़ा हो, हर शब्द में हर कुछ बोलने से पहले हाउ बोलना है, तो इसके लिए बहुत ही मतलब कम से कम एक डेढ़ महीना रियाज करना पड़ा है मुझे। हर चीज़ में हर किसी के साथ भी बात कर रहा हूँ तो बात कुछ भी जवाब देने से पहले हाउ बोलना। आज सीएम साहब भी मूवी देखने आए थे, कैसे देख रहे हैं और इसको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला? ये हमारे लिए और एक छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आज छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म है जिसे राज्य के सीएम ने देखने आया, तो ये बहुत बड़े मायने रखता है इस फिल्म को। कहीं ना कहीं इस फिल्म बनाने के लिए और लिखने के लिए राइटर डायरेक्टर दोनों ने बहुत मेहनत किया है और करीबन 2.5 से 3 साल तक के राइटर मनोज वर्मा जी ने इस पे स्क्रिप्टिंग की है। और उसके पहले जब इस फिल्म के कास्टिंग हुआ तब सबसे पहले मेरे पास में आया उन्होंने और कहा कि ओंकार भाई आपको इसमें भकला का रोल करना है और लेकिन एक तकिया कलाम है आओ, तो ये बातचीत हुआ। अब बनते तक के तो हमें ये नहीं था कि ये फिल्म इस लेवल तक के पहुंच पाएगा, लेकिन ये एक हमारी सबकी मेहनत है जो आज एक रंग लाया और सीएम जी तक के देखे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए कितना गर्व की बात है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी निर्देशक हैं या डायरेक्टर हैं इनको इस लेवल की और फिल्म बनना चाहिए और आगे उम्मीद है कि ऐसे फिल्म और बनती रहेगी, क्योंकि अभी तक के हिंदी फिल्मों के अलावा रीजनल फिल्म छत्तीसगढ़ में नहीं बना था इस टाइप का। कहाँ कहाँ शूट हुआ है ये मूवी का? शूट हुआ है गरियाबंद के आगे 30-35 किलोमीटर आगे एक महुआ भाटा गांव है जो आदिवासी गांव है, वहाँ शूट हुआ है और हम करीबन वहाँ 20 से 25 दिन शूट किए थे। आप इससे पहले और कौन कौन से मूवी में काम किए हैं? इससे पहले मेरा हिंदी मूवी सबसे फर्स्ट मूवी हिंदी मूवी है पिपली लाइफ जो आमिर खान प्रोडक्शन से 2010 में रिलीज हुआ था। उसके बाद मैंने न्यूटन फिल्म किया है, मानसून शॉर्ट आउट किया है और अभी एक और किया है मैंने संकरा, वो भी रिलीज पे है, हिंदी है। और मलयालम मूवी भी किया है इसके अलावा उंडा ममोटी जी के साथ में। और हिंदी के अलावा मैंने अलग अलग लैंग्वेज में रीजनल फिल्म भी किया है, जैसे राजस्थानी हुआ, हरियाणवी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ये सारे मूवी मैंने किया है। रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। जी छत्तीसगढ़ भिलाई से रहने वाले एक बॉलीवुड मूवी में एक पहला व्यक्ति जो बॉलीवुड तक पहुँचा है, मुंबई तक सफ़र किया, इसको कैसे देख रहे हैं और कहाँ तक जाने की तैयारी है आप? अब देखिए
यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत भी किया है, स्ट्रगल किया है। पीछे का स्ट्रगल तो मेरा बहुत कठिन रहा है। अब अभी इस फिल्म जो पिपली लैब के बाद में जो मेरा नाम हुआ एक सभी जगह, मतलब छत्तीसगढ़ से लेके एक आउट ऑफ इंडिया भी मेरा नाम हुआ है पिपली लैब के वजह से। पिपली लैब सन डांस फेस्टिवल में पहला स्क्रीन हुआ था उसका एले में। तो ये अभी मैं कुल मिला के यही चाहता हूँ कि ये जो बुलंद अमेज है पिपली लैब के बाद में मेरा छत्तीसगढ़ में पहला मूवी है जो बहुत अच्छा फिल्म बना है और आज देश विदेश में भी इसका नाम हो रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म जो बहुत से हमारे प्रदेश में रिलीज किया गया है, लोग देख रहे हैं, अच्छा सराहा रहे हैं। और अभी एक चीज़ और मैं छत्तीसगढ़ के दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर वो अपना जो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ का कल्चर है, जैसे रहन सहन है, वो आजकल सब लुप्त तो होते जा रहा है। जैसे आपने इस फिल्म में गाना देखा होगा, सुना होगा मीर अली मीर जी का नंदा जयकारे नंदा जयकारे, तो जितने भी गाना में जो चीज़ बताया गया है आज वो सारे चीज़ नंदा गया है। आजकल के यूथ को पता भी नहीं है कि अगर आप किसी अभी के बच्ची को अगर पूछ लो कि कसेली और नोई किसे कहता है तो वो नहीं बता पाएगा। तो इस फिल्म के माध्यम से ये सब चीज़ यूथ को पता चलेगा, नया जनरेशन को, और हमारे कल्चर को लेके फिल्म बनना चाहिए। जैसे बुलंद अमेज बना है, कमर्शियल भी है, कमर्शियल भी बना रहा है, यहाँ पे अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि अभी जो लेवल ये पकड़ लिया है उसको और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है यहाँ पे वो भी उनको भी कोशिश करना चाहिए इस तरीके से फिल्म बनाने की। छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है? अब सुधार मैं क्या बताऊँगा, आप फिल्म देख के बुलंद अमेज के खुद देख के खुद समझ जाएंगे। और यहाँ के दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर इस फिल्म को आके देखना चाहिए ताकि हमें ये कितना परिवर्तित इसमें आ चुके हैं और उस चीज़ को देखने के लिए इस फिल्म को आना चाहिए। क्योंकि नेशनल अवार्ड है तो एक तो इसके लिए भी आके देखना चाहिए कि भाई ये एक्टर ने जो काम किया है वो किया है, लेकिन इसके पीछे बैक साइड काम करने वाले भी कितने मेहनत किए हैं इस फिल्म के लिए। ये थे छत्तीसगढ़ के मेन कलाकार बुलंद अमेज में जो मूवी मेन किरदार निभाए हैं भकला, जो हाउ शब्द से ही हर जुबान में इसके पहले हाउ ही निकलते हैं। आज हम उससे बातचीत किए और देखिए इसको ज़रूर। कैमरा पर्सन हितेश साहू के साथ सोनू साहू, आरजे न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़।